चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। किराना बाजार से जुड़े कारोबारी बता रहे हैं कि खाद्य तेल की कीमतों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी रिफाइंड तेलों में दिख रही है। इनमें सोयाबीन तेल, सूर्यमुखी तेल और पाम ऑयल जो है वो शामिल है। उल्लेखनीय है कि हमारा अधिकतर रिफाइंड तेल बाहर से देशों से ही आता है। रिफाइंड तेल 90% विदेश से आता है। दूध के उत्पादन में हम भले ही दुनिया भर में नंबर 1 है, लेकिन खाद्य तेलों के उत्पादन में हम काफी पीछे हैं। हम अपने कुल खपत का करीब 60% हिस्सा विदेशों से मंगवाते हैं। इनमें पाम ऑयल को छोड़ दें तो शेष रिफाइंड तेलों में से ज्यादातर तेल अर्जेंटीना, ब्राजील और यूक्रेन से आता है। वहीं पाम ऑयल मलेशिया और इंडोनेशिया से आता है। सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल की बात करिए तो इनमें 90% से अधिक आयात निर्भरता रूस और यूक्रेन पर है। युद्ध की वजह से इन देशों से आयात बंद है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर यानी कि COIT के अध्यक्ष सुरेश नागपाल बताते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध भड़कने के पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिफाइंड तेल के दाम बढ़ने लगे थे। सबसे सस्ता बिकने वाला पाम ऑयल के भी इन दिनों भाव बढ़े हुए हैं। सरसों तेल से अधिक कीमत पर बिकने वाला पाम ऑयल अभी विदेश से ही सरसों तेल के मुकाबले प्रति किलो 10 से 15 रुपए महंगा आ रहा है। बीते 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच इसके दाम में $200 प्रति टन की बढ़ोतरी हुई है। इसी वजह से सोयाबीन, सूर्यमुखी और इसके समेत ही खाद्य तेल के दाम बढ़ने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के दाम बढ़ने की खबरों के बीच लोकल मार्केट में भी इसके दाम बढ़ना शुरू हो गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि बीते 10 दिन में रिफाइंड तेलों की सबसे अधिक कीमत बढ़ी है, साथ ही इसका स्टॉक भी कम हो रहा है, तभी तो इनमें दामों में भी 35 रुपये प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। यही नहीं, इसी वजह से देसी घी से लेकर वनस्पति घी आदि के दाम भी 25 से 30 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। खाद्य तेल कारोबार से जुड़े कारोबारी के मुताबिक यूक्रेन वैश्विक स्तर पर सूरजमुखी का अग्रणी उत्पादक है। दुनिया भर में सूरजमुखी के तेल का जितना उत्पादन होता है उसमें अकेले यूक्रेन की हिस्सेदारी 60% है। यूक्रेन और रूस में युद्ध छिड़ने के बाद सप्लाई चेन भी टूटा है। इसका असर ना सिर्फ इसके दाम पर पड़ा है बल्कि दूसरे तेलों की कीमत भी प्रभावित हुई है, तभी तो सोयाबीन के तेल की कीमत भी बढ़ रही है। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की ओर। कच्चे तेल की कीमतों में आज तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कीमतों पर नियंत्रण के लिए UAE तेल उत्पादन बढ़ाने के पक्ष में है। इसी के साथ तेल की कीमतों में आज अधिकतम 18% तक की गिरावट देखने को मिली है। ब्रेंट क्रूड $113 प्रति बैरल के स्तर के नीचे आ गया है। इससे पहले इसी हफ्ते ब्रेंट क्रूड $139 प्रति बैरल के स्तर के करीब पहुंच गया था। वहीं कीमतों का ये स्तर बीते 14 सालों में सबसे ऊंचे स्तर पर है। रूस यूक्रेन संकट की वजह से कीमतों में एक हफ्ते में 3% से ज्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, वहीं रॉयट्स के अनुसार UAE के तुरंत 800,000 बैरल तेल का उत्पादन बढ़ा सकता है, यानी कि जो UAE है वो तुरंत 800,000 बैरल तेल का उत्पादन एकदम से बढ़ा सकता है, जो कि रूस पर लगे प्रतिबंधों से घटी सप्लाई के 1/7 हिस्से की भरपाई कर देगा। वहीं आने वाले समय में ईरान से भी सप्लाई बढ़ने का अनुमान है, जिससे भी आगे दबाव और कम होने का अनुमान दिया गया है। इन संकेतों को देखते हुए जानकारों ने अनुमान दिया है कि कीमतों में आगे और कमी आ सकती है। दरअसल तेल उत्पादक देशों को भी आशंका है कि तेल कीमतों में इतने उछाल से मांग पर नकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं अर्थव्यवस्थाओं में महंगे तेल से अगर सुस्ती आती है तो कच्चे तेल की कीमतों में और गिरावट आएगी, इसलिए ओपेक देश तेल उत्पादन भी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं
लेकर दुनिया भर में खाद्यान्न की कीमतों में आने वाले समय में और तेजी आने की आशंका बन गई है। दरअसल यूक्रेन की सरकार ने घरेलू जरूरतों पर पूरी तरह के लिए खाद्यान्नों और पशुओं के चारे के नियंत्रण पर रोक लगा दी है। रूस के साथ संकट की वजह से यूक्रेन सरकार घरेलू जरूरतों को पूरा करने पर अपना ध्यान लगा रही है। प्रतिबंध की वजह से यूरोप, एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में खाद्यान्न और दूध उत्पादकों की कीमत बढ़ने की आशंका बन गई है। यूक्रेन का दुनिया भर के खाद्यान्न उत्पादन में बड़ा हिस्सा है। यूक्रेन से दुनिया भर में गेहूं, खाद्य तेल, चारे आदि की सप्लाई होती है। संकट के साथ ही गेहूं, मक्का, खाद्य तेल की कीमतों में बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं यूक्रेन की सरकार ने गेहूं सहित कई अन्य खाद्यान्न के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के मुताबिक फिलहाल वो रूस के हमले के बीच लोगों की जरूरत पूरी करने पर ध्यान दे रही है, इसी वजह से प्रतिबंध लगाया गया है। एक सरकारी घोषणा के अनुसार इस सप्ताह पेश किए गए कृषि निर्यात पर नए नियम के तहत बाजरा, चीनी, जीवित मवेशी और मांस और कई अन्य उत्पादकों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। यूक्रेन के सरकार ने सरकारी वेबसाइट के जरिए एक बयान में कहा है कि यूक्रेन में मानवीय संकट के बीच बाजार को स्थिर रखने और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध की आवश्यकता है। वहीं प्रतिबंधों से यूरोप, अफ्रीका और एशिया के लोगों की खाद्य आपूर्ति पर खतरा बन गया है। ये लोग कई उत्पादकों के लिए रूस और यूक्रेन से होने वाले निर्यात पर निर्भर हैं। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया के लगभग एक तिहाई गेहूं और जौ के निर्यात की आपूर्ति करता है। रूस के हमले के बाद इन उत्पादकों की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल संघर्ष की वजह से खाद्य कीमतों में तेजी से मिस्र और लेबनान जैसी जगहों पर खाद्य संगठन उत्पादन होने की जो आशंका है वो बन गई है। जानकारों की आशंका है कि निर्यात प्रतिबंध वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर बुरा असर डालेगा और इसका असर इसलिए भी काफी गंभीर होगा क्योंकि कीमतों में पहले से ही जो है वो बढ़ रही है और अब 2011 के बाद अपने उच्चतम स्तर पर ये पहुंच गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई लगातार जारी है। दोनों में कोई बीच का रास्ता अभी तक निकलता नहीं दिख रहा है, लेकिन इसी बीच सरसों के तेल की कीमतों में आम जनता को राहत मिलती नजर आ रही है। सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने से सरसों तेल तिलहन की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। भारत में पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम सातवें आसमान पर है। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। खाद्य पदार्थों की कीमत में भारत में जो आसमान पर है, इसी बीच सरसों के तेल में गिरावट आने से आम लोगों को थोड़ी सी राहत मिली है। आयातित तेलों के मुकाबले सरसों का दाम लगभग 5 से 7 रुपए किलो नीचे आ गया है। सीपीओ और पामोलिन जैसे आयातित तेलों के दाम आसमान छू रहे हैं और दिलचस्प ये है कि इसके लिवाल भी कम है। ऐसी स्थिति में कौन इन तेलों का आयात करने का जोखिम मोल लेगा जब घरेलू तेल आयातित तेलों से सस्ता हो। जैसे जैसे सर्दी घटने लगी है और सरसों तेल के रेट भी तेजी से गिरने लगेंगे। वहीं विशेषज्ञों के अनुसार बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेल तिलहन की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए राहत दी है। मंडियों में सरसों की नई फसल की आवक बढ़ने के बाद बीते सप्ताह सरसों के दाम 150 रुपए की गिरावट के साथ 7,500 से 7,725 रुपए प्रति क्विंटल रह गए हैं, जो पिछले सप्ताहांत 7,650 से 7,675 रुपए प्रति क्विंटल थे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। विदेशी बाजारों में जोरदार तेजी के बीच घरेलू तेलों की मांग बढ़ने के कारण दिल्ली तेल तिलहन बाजार में बुधवार को सरसों, सोयाबीन तेल तिलहन सहित लगभग सभी तेल तिलहन कीमतों में सुधार दर्ज हुआ है। बाजार सूत्रों ने बताया कि मलेशिया एक्सचेंज में रिकॉर्ड तोड़ तेजी और वहां तेल कीमतों में $170 यानी कि 10% की मजबूती आने के बाद कारोबार के दौरान ऊपरी सर्किट जो है वो लगना पड़ा है। शुरुआती कारोबार के दौरान मलेशिया में 11% की तेजी रहने के बाद फिलहाल कुछ नरमी आई है।
वहीं विदेशों में जोरदार तेजी को देखते हुए स्थानीय तेल तिलहन कीमतों में भी बढ़त देखने को मिल रही है। आपको बता दें, मंडियों में सरसों की 10 से 12 लाख बोरी की भारी आवक के बीच अधिकांश सरसों से रिफाइंड बनाए जाने के कारण सरसों तेल तिलहन के भाव भी मजबूत हो गए हैं। सरसों के मुकाबले आयातित तेलों के लगभग 10 रुपए प्रति किलो महंगा होने से सरसों पर भारी दबाव है और बड़ी मात्रा में सरसों से रिफाइंड बनाया जा रहा है, जिससे आगे जाकर सरसों के मामले में दिक्कत देखी जा सकती है। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेन से सूरजमुखी तेल मतलब लाना बंद हो गया और सूरजमुखी तेल के भाव में रिकॉर्ड तोड़ तेजी भी आई है। सूरजमुखी तेल का भाव $2,150 प्रति टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। सूरजमुखी तेल की अनुपलब्धता जो होने के बीच दक्षिण भारत के राज्यों में सस्ता होने के कारण सरसों और मूंगफली तेल की चौतरफा खपत हो रही है। सरकार को घरेलू स्तर पर तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर जोर देना चाहिए, जो तिलहन तेजी से जरूरतों के लिए आयात पर निर्भरता को काम कम करने का दीर्घकालिक ठोस उपाय कर सकते हैं। शुल्क कम ज्यादा करने का कोई विशेष फायदा मिलता दिख तो अभी नहीं रहा है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, और बड़ी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।